happy to see you and alive nakul i am but i am more worried about my father in jail i am okay i don't i don't have a tension about me but i am more worried about my father because he is in jail आदित्य वी हर्ट अबाउट द डेट टू मैंने उनके बारे में सुना है दिस वॉज द सेकेंड टाइम डेट द एम्प्रेड कार्वन वॉज रॉप एंड ये सेकेंड टाइम तो हो चुका है कि उसके उनके चोरी कारवन में हो चुकी है नकुल यस एंड अगेन अंडर माई फादर कमांड यू सी द कार्बन वॉज कैरिंग कहता हूँ येस yes, मैं तो दोबारा मेरे फादर की कमांड के अंदर तुमने तो चोरी करते देखा है गोल्ड सिल्वर एंड आइवरी फॉर द न्यू बिहारस दे आटोबेबल्टे चीज़ें बनानी पड़ेगी देयर वर ऑल्सो सेक्स ऑफ राइस एंड वीट फॉर द वर्कर्स एंड सिल्वर एंड कॉपर टू पे दैम इन, इन चीजें जो थी उनको पे करनी है राइट माई फादर वॉज स्पेशली केयरफुलिसीत अ वर्ड अबाउट प्लान टू एनिवन कहता है। मेरे पापा मतलब इतने ज्यादा खुद शॉक्ड है उन्होंने इस बार किसी को भी अपना प्लान नहीं बताया बट सम हाउ द रॉबर्ट स्कॉट सेंट ऑफ द होल थिंग बट कहता है। फिर भी you know, कॉड्स एंड क्या होता है फाउंटेट सीक्रेट प्लान कहता है जैसे कई बार आपके क्लास में विस्पर्स करते हो बातें करते हो धीरे धीरे ना तो तो फिर भी आप आपको लगता है कि आपने इसको बताना नहीं बट उसे सुन जाता है ना तो ऐसे ही कहते किसी को पता लग गया आर मैनी वॉज नो मैच फॉर दैन फॉर दे कॉड अस अनअवेयर कहता है पता नहीं वो अनअवेयर थे इस चीज़ के बारे में द रॉबर्ट्स ले इन वेट फॉर अस एंड अटैक सडनली रॉबर्ट्स बस उस चीज़ के लिए थे कि मतलब वो वेट कर रहे थे कभी अटैक हो और कब वो वहाँ पे पहुंचे राइट सो आदित्य यू विल मेक अ ग्रेट सोल्जर नकुल यू फॉर्ड दैम एंड एंड रन अवे पॉजेस लेता है वो बीच में डिड यू कैच अ ग्लिम्स ऑफ कल्प्रिट्स का तुम्हें कल्प्रिट्स के पता है सी ब्रीफली तुमने इसको देखा इसका मतलब बी ब्रीफली नकुल नो इट फॉर टू डार्क नहीं बहुत अंधेरा अंधेरा था आदित्य थिंक ऑफ द नाइट एंड रिमेंबर्ड द फोम दोबारा सोचा और उसकी चीज़ के बारे सोचने लग गया शैला वेन द फुल मून इज एन इशारा कहता है इशारा में सबसे फुल मून कब होगा लक्ष्मण बोलता है लास्ट नाइट वॉज द फुल मून ऑफ इशारा लास्ट नाइट क्या था बेटा जी फुल द इशारा था शेला फॉलो द रि ऑफ मैन द रिवर बैंक उसको फॉलो करो न कुल द कार्बन वॉज लाइक अ रिवर ऑफ कार्स इन मैन एंड वी कैम्प ऑन द रि बैंक कैम्प क्या होता है लेंग विदाउट ऑन बेड बेड के ऊपर नहीं लेता है राइट शे, शेला बोलता फ्रॉम द सिटी ऑफ अशोक ऑफ द बिहारा एज ओवर दॉरिजन द मून सैंक हॉरिजन क्या होता है जब अर्थ और स्काई मीट करती है लक्ष्मण इट्स पतलीपुरा इज द सिटी ऑफ अशोका पतलीपुरा किसकी सिटी है अशोका में एंड इट वी आर गोइंग इन द कि तुम विहारा में जा रहे हो लक्ष्मण आदित्य इफ द फर्स्ट एमचर गिव्स यू द सीक्रेट प्लान ऑफ द रॉबर्ट्स मे बी दियर दे आर हाइट लूट अगर तुम्हें पहले प, सीन में ये पता लग रहा है कि उन्होंने चोरी की तो ऑब्वियसली सेकंड सीन में तुम्हें ये पता लगेगा कि वो कैसे वहाँ पे उन्होंने लूट की और हाइट कैसे छुपे कैसे शैला ब्रिंगिंग द ट्रेजर होम अगेन ट्रेजर होता है कुछ एक्सपेंसिव थिंग्स वो घर लेके आया फास्ट एज डी विद फट गायल द हाउस ऑफ लॉइन विल द रिजन एज द ट्वेल्व पिलर्स ऑफ लोरी स्माइल द फर्स्ट टू लॉ did डिड नॉट clever man. मैन least वी नो इट इन the city. कहता है वी ब्रिंग सम प्रेजर क्लोथ्स इन अर होम बट हमें इतना नहीं पता कि चोरी कैसी हुई बट येस ऑफ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दत्व मे बी यूर फादर नोज समथिंग क्या पता तुम्हारे पापा को कुछ पता हो नकुल आई डोंट थिंक सो मुझे नहीं पता ऑल ही सेड दैट वॉज हर्ड ओ वन द रॉबर्ट्स बस रॉबर्ट्स के मुंह सुना है क्या सुना है भोजा वर्मेंट शुड भी हैप्पी ही नोज एन आर्मी कमांडर बाय दैट नेम बट ही इज अवे ट्रेवलिंग टू लंका वो लंका जा रहा है विद प्रिंस किसके साथ महिंद्र एंड प्रिंसिस संघमित्रा के साथ राइट फिर लक्ष्मण बोलता है उसको ए हाउस विद द लॉइन गेट कहता की लॉइन गेट के जो हाउस है इट कोड ऑल्सो भी अ फैमिली है फैमिली भी है शेला फैमिली ऑफ द लॉइन क्या है लॉन की फैमिली बट देअर रॉयल खान रॉयल खता है एम्पर देन ही हैजू बी ए नोबल वैन फिर उसे वहां नॉबल मैन की तरह बिहेव करना होगा लक्ष्मण कहता लेट्स फाइंड आउट अबाउट भोजा चलो कुछ भोजा के बारे में फाइंड आउट करें द नॉबल मैन एंड सी इफ हिज हाउस पिलर्स अगर उसके हाउस के पास ट्वेल्व दिस वॉज ऑल अबाउट द सीन टू लक्ष्मण है उसकी लड़ाई हो जाती है राइट उसकी फिर उसको वो बैंडेजेस के साथ कवर करते हैं उनको अपनी नहीं परवाह होती उसको अपने फादर की होती क्योंकि उसके सिर पे उसकी चोरी का इल्ज़ाम लग गया होता है राइट सो so, ऐसे ऐसे करके वो पजल करने की उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो आई होप आपको सेक्शन टू भी समझ आ गया होगा राइट सो थैंक यू एंड हैवे नाइस डे